हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, वर्ग 3 से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास जरूर लाता हूँ। ऐसी ही अपडेट निकल कर सामने आई है दोस्तों। ये अपडेट भोपाल समाचार में दी गई है। जैसे आप देख रहे हैं, एमपीपीएवी चेयरमैन का टेट वर्ग 3 पेपर आउट मामले में नया बयान। यहाँ पर यदि आप देखेंगे दोस्तों, तो पूरी न्यूज़ दी गई है। भोपाल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के चेयरमैन श्री आईसीपी केसरी का नया बयान आ गया है। उन्होंने दावा किया है कि पेपर आउट नहीं हुआ, पेपर खत्म होने के बाद किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिए थे, इसकी जांच कर रहे हैं। व्यापम घोटाला 2022 में स्क्रीनशॉट परीक्षा खत्म होने के बाद लिए गए थे, चेयरमैन का दावा। उन्होंने बताया कि हर दिन का प्रश्न पत्र अलग होता है, प्रश्न पत्र सेंटर पर 10 मिनट पहले ही भेजते हैं, इसलिए पेपर लीक होने की बात तो है ही नहीं। हर उम्मीदवार के हर जवाब का स्क्रीनशॉट लिया जाता है। स्क्रीनशॉट शाम को स्टेट डेटा सेंटर में ट्रांसफर होते हैं। प्रथम दृष्टगत लग रहा है कि किसी ने ट्रांसफर करने के दौरान उसका फोटो लिया है। परीक्षा के दौरान स्क्रीन पर टास्क बार, टूल बार या टाइम नहीं होता है। वायरल फोटो में यह सब है। इससे प्रतीत होता है कि ये फोटो उस दौरान लेकर दूसरे कंप्यूटर पर जाकर खोला गया है, लेकिन ये बात सही है कि फोटो कैसे लिया गया और कैसे बाहर गया और फोटो एग्जाम के बाद का है। एमपी टेट शिक्षक परीक्षा वर्ग 3 का पेपर आउट नहीं हुआ, चेयरमैन ने कहा। उन्होंने कहा कि हम लोग सीसीटीवी देखे हैं, उस हाल में किसी कैंडिडेट का इन्वॉल्व नंबर बिहेवियर नहीं है दिखा, सब एग्जाम दे रहे हैं लेकिन स्क्रीनशॉट बाहर आया है। तो दोस्तों, इसमें आगे कहा गया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एग्जामिनेशन प्रोसेस कहीं पर प्रभावित नहीं हुई है और ना ही पेपर लीक हुआ है, यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि आपका जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ है और ये एमपीपीएवी चेयरमैन का टेट वर्ग 3 पेपर आउट मामले में नया बयान है दोस्तों। तो जांच में ये सबसे बड़ा तथ्य निकल के सामने आया है दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि पेपर आउट नहीं हुआ है, सिर्फ एक शिफ्ट में स्क्रीन शूट लेकर जो है बाहर गया है, तो उसकी जांच की जा रही है। तो अपने विचार जरूर रखें दोस्तों। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।